दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों पंचायत दर्पण पोर्टल पर कुछ चेंजेस हुए हैं पंचायत COVID-19 कंट्रोल सेंटर में, तो हम उसी पर आज चर्चा करेंगे। तो इसमें दोस्तों जो पहला ऑप्शन है इसको कर दिया गया है संकट प्रबंध समूह क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप। तो इससे संबंधित दोस्तों मैं एक आदेश को संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। जो आदेश आया है 10 मई को ही आया है, तो इसमें दोस्तों मेन था कि कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, ब्लॉक ग्राम वार्ड संकट प्रबंधन समूह क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन, ठीक है। तो इसमें आया था दोस्तों COVID-19 महामारी के संक्रमण रोकने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो इसमें क्या हुआ है, डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन करना है। इसी तरह हमको वार्ड स्तरीय और ग्राम स्तरीय यहाँ पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन करना है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों और भी चीज़ें हैं, आप सीधे देख सकते हैं। मैं और आपको मेन मेन चीज़ बता देता हूँ। जो ग्राम संकट प्रबंधन समूह बनेगा, ग्राम क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन प्रत्येक गाँव में किया जाए। मतलब यदि हमारे ग्राम पंचायत 4 गाँव है तो 4 गाँव में अलग अलग गठन किया जाना है। ग्राम संकट प्रबंधन के समूह के अध्यक्ष ग्राम पंचायत प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष होंगे। मतलब जो भी अध्यक्ष है प्रशासनिक समिति, मान लीजिए सरपंच है, तो वो जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है उसके अध्यक्ष भी होंगे। ग्राम पंचायत के सचिव, जन अभियान परिषद, महिला स्वास्थ्य समूह, राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासनिक समिति के संबंधित ग्राम में निवासरत सदस्य, ग्राम रोजगार सहायक, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, ग्राम के कोटवार पटेल उक्त समूह के सदस्य होंगे, ठीक है। तो अध्यक्ष हो जाएंगे सरपंच महोदय और जो सदस्य हो जाएंगे बाकी सब व्यक्ति, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों नगरी क्षेत्र का है, उसके बाद उक्त समूह द्वारा ब्लॉक ग्राम एवं वार्ड स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न आपात स्थिति के नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के प्रभारी क्रियान्वयन तथा COVID-19 महामारी रोकथाम के लिए सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जानी है। इसी प्रकार दोस्तों ने सब दिया है जिम्मेदारी किन की है। और दोस्तों ये पूरा आदेश है, इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से काम करना है। हमने पहले भी दोस्तों कोरोना प्रबंधन समिति के गठन कर लिया था, यही ऑप्शन था। अब उस ऑप्शन को चेंज करके क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप कर दिया, थोड़ा चेंजेस किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने पहले से गठन कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। उसमें जो अब आपके ऑप्शन रह गए हैं, जैसे जनपद सदस्य या वो ग्राम, मतलब गाँव के जो राजनेता हुए सक्रिय राजनेता या और भी जो सदस्य हैं दोस्तों, जैसे कि ग्राम में क्या होता है, इस मान लीजिए 2 ग्राम है तो हर ग्राम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अलग होंगी, आंगनवाड़ी सहायिका अलग होंगी, है ना। केवल एक कौन होते हैं, सरपंच महोदय एक होंगे पूरे ग्राम पंचायत के, सचिव महोदय एक होंगे और पटवारी जी एक होंगे, तो उनको हम पंचायत स्त्री मान लेते हैं, और रोजगार सहायक एक होंगे तो उनको पंचायत स्त्री कर लेते हैं। वो बाकी सब जो है सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, जो हर जगह अलग अलग हैं, उनको हम अलग अलग ग्राम में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन जो रहेगा ग्राम संकट प्रबंधन समूह क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का पंजीयन, इस पर हम क्लिक ऐसे ही करेंगे तो इसमें ये चरण भी जाएंगे। चरण फर्स्ट पंचायत स्त्री और दूसरा ग्राम संकट, तो इसमें आप दोनों ग्राम का सेलेक्ट कर लें एक एक कर और उसमें हमको वही लिखना है किस दिन गठन हुआ है, और इसमें अलग अलग ग्राम का लिखना है दोस्तों हमें सेलेक्ट करके, है ना, किस दिन गठन हुआ है और उसमें कितने सदस्य हैं। ये मैंने अभी कर लिया है तो यहाँ आ जाएगा कि पहले ही हम पंजीयन किया जा चुका है, ठीक है। तो ओके पर क्लिक कर दें। इसका दोस्तों हम चलेंगे इसके दूसरे ऑप्शन पर, ग्राम संकट प्रबंधन समूह में ग्राम पंचायत स्तर के प्रतिनिधि सदस्यों का पंजीयन, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसमें यदि आपने नहीं किया है तो आप इसमें केवल कौन कौन से सदस्य लें, इसमें केवल सरपंच प्रधान लें, पटवारी लें, सचिव लें, ठीक है, और दोस्तों इसमें रोजगार सहायक लें, ठीक है, क्योंकि ये पूरे ग्राम में क्या होते हैं, एक ही होते हैं, ठीक है। तो ये हर ग्राम में बाय डिफॉल्ट इनके नाम जुड़ी जाएंगे, यदि 4 ग्राम है तो एक बार हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, 4ों में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से करना है। यदि आपने पहले सभी का रजिस्ट्रेशन कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, अब जो बचे हैं उनका रजिस्ट्रेशन कर लें, ठीक है। तो ये इस तरह से रहेगा, यहाँ से आप पंजीयन कर सकते हैं, सदस्य का नाम, यहाँ से पद नाम और मोबाइल नंबर, इस तरह से कर लें तो आपको बन जाए। इसके बाद दोस्तों हम स्टेप 3 पर चलेंगे, ग्राम के निवासी प्रतिनिधि सदस्यों का पंजीयन। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ आ जाएगा ग्राम संकट प्रबंधन समूह क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के ग्राम के निवासी प्रतिनिधि सदस्यों का पंजीयन। तो इसमें मेन दोस्तों सदस्य जो आएंगे समाज से भी आ सकते हैं, स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष आ सकते हैं, जन अभियान परिषद के सदस्य आ सकते हैं, राजनीतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता आ सकते हैं, ग्राम पटेल, कोटवार, क्योंकि कोटवार भी दोस्तों हर ग्राम में अलग अलग होते हैं, इसलिए कोटवार भी, ANM कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता भी हर ग्राम के अलग होती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी, शिक्षक भी अलग होते हैं, इसलिए दोस्तों इनका पंजीयन हम यहाँ कर सकते हैं ग्राम के निवासी। तो हर ग्राम वाइज कर सकते हैं, जैसे एक ग्राम में आपने कर दिया सभी को पंजीयन, फिर दूसरे ग्राम को सेलेक्ट किया और सभी का पंजीयन कर दिया, तो इस तरह से दोस्तों 2 समिति बन जाएगी, एक तो ये ग्राम स्त्री और एक जो है पंचायत स्त्री, ठीक है, तो दोनों बन जाएगी। इसके बाद हम
इसके बाद दोस्तों हम इसके आखिरी ऑप्शन देख सकते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों की सूची। तो यहाँ दोस्तों हमने पूरी ग्राम बार जो रहेगी वो पूरी सूची यहाँ दिखने लगेगी, ठीक है। जितना आप स्क्रॉल करके आएंगे सारी सूची आपकी नीचे तक पूरी दिखने लगेगी, जितने सदस्य आपने ग्राम वाइज दिए हैं। दोस्तों बस सिंपल सा चेंजेस हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप पूरी कार्रवाई कर लें तो आपका आराम से पूरी प्रोसेस हो जाएगी। और दोस्तों आगे भी कोई न्यू अपडेट आता है तो मैं उससे आपको अवगत कराते रहूँगा, इसके लिए आप मेरे साथ बने जरूर रहिए। आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।